निश्चित तौर पर 16 मई 2014 का दिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक अलग तरीके से याद किया जाएगा। इस दिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने जिस तरीके की जीत हासिल की है उसने सभी को चौंका दिया है, लेकिन इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जिस तरह की क्रांति निकली है उसने निश्चित तौर पर भारत को न केवल स्थिर सरकार देने का वादा किया है, बल्कि अच्छे दिन आने का जो वादा मोदी ने उनके नेतृत्व में चले कैंपेन में किया था उसे आगे ले जाने की भी बात कही है। ये दरअसल उन तमाम नए मतदाताओं की और करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदों की जीत है जिसमें उन्होंने एक ख्वाहिश की थी कि जो कुशासन, जो पॉलिसी पैरालिसिस उन्होंने इतने सालों में देखा है, भोगा है, उससे उन्हें किसी तरह मुक्त मिले। हिंदुस्तान दरअसल अवतारों और मसीहाओं में विश्वास करने वाला देश है, और जब कोई आकर यह कहता है कि मैं ही वो अवतार हूं, मैं ही वो मसीहा हूं जो आपको एक सुनहरे भारत की तरफ ले जा सकता है, तो वो उस पर भरोसा करते हैं। और मोदी ने ये बात इतनी प्रबलता से, इतनी मजबूती से और इतने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कही थी कि लोगों ने उसमें जिस तरीके का भरोसा जताया है वो हम सभी के सामने है। हम 16 मई 2014 की इस तारीख को निकले इन परिणामों के बाद ये जरूर देखना चाहेंगे कि देश के अच्छे दिन किस तरीके से आते हैं।